सरकार की योजना का एक हिस्सा है। हम आपके सामने समय आने पर इस हिस्सा का पूरा पर्दाफाश करेंगे। अभी हमारा इस पर अध्ययन चल रहा है, और जो प्रथम दृष्टि में हमारे देखने में आया उससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उन दो व्यक्तियों को लाके जिस प्रकार से हमारे डेरा के बाहर बसाया गया, उनके डेरों में टेंट में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना रहा, और जो रूट है उसको बहुत आराम से उन्होंने बैरिकेड हटाए चले गए। उसके बाद उन्होंने आगे जाके लंगर चखा, और लंगर के बाद में पुलिस वाले उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, और लाइन से पुलिस खड़ी उस सारी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी कहानी में और तथ्य है, कुछ हमारे पास वीडियो की भी है जिनको जिन साथियों के पास होगी उन सब मांगी भी है कि कहां कहां हर हमको वीडियो क्लिपिंग चाहिए, और हम इसको पूरी तरीके से बताएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस आंदोलन के खिलाफ इस मौजूदा सरकार ने किया। और किसी सीमा तक अगले दिन इंटरनेट बंद कर दिया तो एक तरफा चलता रहा पूरे देश में मीडिया में, और एक तरफा हमको कटघरे में खड़ा किया गया। भारत के अन्य हिस्सों से मेरे पास फोन आए और उन लोगों ने दुख व्यक्त किया, और वो भी समझ गए कि ये षड्यंत्र है, क्योंकि प्रारंभ से ही पंजाब उनके टारगेट पर रहा है और उनका पंजाब के प्रति व्यवहार भी सौतेला रहा है। पंजाब हमारे देश का सिरमौर है, मैंने बार बार कहा, और पंजाब की ताकत और पंजाब का सिस्टम, पंजाब के लोग बहुत विशाल हृदय के लोग हैं। पंजाब हमारे देश का दिल है, पंजाब पर पंजाब को बार बार टारगेट करना देश की अखंडता को चुनौती देने जैसा काम किया। वो पूरा देश पंजाब के किसानों के साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ, और जो झंडा लगाने का काम उन्होंने किया है, मैं बता दूं साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में जहां तिरंगा लहराया था लाल किले के ऊपर, वो स्थान बहुत अलग और सुरक्षित है। उस तिरंगे को जो भ्रमित किया गया मीडिया के माध्यम से कि वहां झंडा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देश की हमारी वो प्राचीन किले पर ऐसा हो गया, बहुत चला है कल मीडिया पर, मैंने सब देखा। उस स्थान को किसी ने टच नहीं किया है, उस तिरंगे को किसी ने आंच नहीं आने दी है, वो तिरंगा उतना ही सम्मानित है। लाल किले के बगल में एक पोल गड़ा हुआ है सफेद रंग का, उस पोल पर दो ध्वज बांधे गए हैं, इतना हमने देखा है। हमें मानते हैं कि वो यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है, वहां कोई और ध्वज नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं, ये गलती हुई है। क्यों हम गलती मान रहे हैं? क्योंकि कॉल हमारा था, आंदोलन हम लोगों ने जारी किया था, तो निश्चित तौर से जवाबदारी। कल चूंकि यहां से नेट काम नहीं कर रहा था, तो मेरे साहब कहा कि हम आहत हैं, दुखी हैं, और बहुत ज्यादा हम मानसिक रूप से परेशान भी है, ये घटना घटना ठीक नहीं है। एक चैनल ने हमसे कहा कि आप क्या माफी मांगेंगे, कई चैनल ने कहा एक ही बात बोलते हैं, माफी मांगेंगे। मैं क्या करें, हमारा आंदोलन है और हमने कॉल किया है, निश्चित तौर से हमको माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा, हमारे आंदोलन में कुछ लोग घुस गए जिनको हम समय के रहते हुए पॉइंट आउट करना था, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है।